नमस्कार, मेरे YouTube चैनल निमंत्रण पे आप सबका स्वागत है। आज का रेसिपी है पालक पनीर पराठा। पालक और पनीर का एक कॉम्बो रेसिपी मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। ये एक हेल्दी टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बिना स्किप करके देखते रहिए, आपको भी पसंद आएगा और एक बार जरूर बनाएगा। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा किलो पालक को धोकर साफ करके काट के रखी थी, उसे मैं थोड़ी सी बॉयल कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद इसमें दे देती हूँ थोड़ा सा नमक। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और 1 मिनट ढककर बॉयल कर लेती हूँ। एक मिनट हो गया, फ्लेम को बंद कर देती हूँ। पालक बॉयल ठीक ठीक हो चुका है, ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मिक्सी में पीसना है तो बस। ज़्यादा बॉयल करने से पालक का कलर चेंज हो जाता है। इसमें दे दिया आधा चम्मच अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में पीस लिया। अब एक थाली में 2 कटोरी गेहूं की आटा ले लिया। इसमें दे देती हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा नमक। आधा चम्मच नमक दिया है, पहले पालक में भी नमक दे दिया तो सबसे देना है। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसमें दे देती हूँ पेस्ट किया हुआ पालक को। मिक्सी का कटोरी को थोड़ा सा धो देती हूँ, धोकर भी डाल देती हूँ। इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लेती हूँ जिसमें पराठा बनेगा, चाहे तो पूरी भी बना सकते हो। थोड़ा सा ऑयल लगाकर 10-20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देती हूँ ढककर। तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेती हूँ। 200 ग्राम पनीर लिया, इसे ग्रेट कर लेती हूँ। इस पनीर को हाथों से भी तोड़ सकते हो, लेकिन ग्रेट करने से खिला खिला रहता है। मेरे हिसाब से ग्रेट करना ही अच्छा है। ग्रेट कर लिया, अब इसमें दे देती हूँ थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, नमक मिर्ची अपना टेस्ट के हिसाब से देना है, और दे दिया 1 चम्मच ओरिगानो। ओरिगानो देने से पराठा का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। और दे दिया थोड़ा सा कसूरी मेथी, इसे हाथों से मसल लिया और डाल दिया। चम्मच से अच्छे से मिला लेती हूँ, हल्का हाथ से मिलाना है। और डाल देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, इसे पहले भी दे सकते थे लेकिन मैं भूल गई थी, तो अब दे देती हूँ। मिला लेती हूँ, रेडी हो गया स्टफिंग। डो भी रेडी है, स्टफिंग भी रेडी है, तो देर किस बात की, बना लेती हूँ पराठा। पहले लोई बना लेती हूँ, फिर इसे बेल लूँगी। पहले इतना बना के दिखा देती हूँ। इसे सूखा आटा लगा लगा कर बेल लेती हूँ। इसे ज़्यादा पतला करके भी नहीं बेलना और ज़्यादा मोटा करके भी नहीं बेलना, मीडियम बेलना है। और ये आधा हिस्सा में लगा देती हूँ तंदूरी भेज मेयोनीज। इसे अच्छे से लगा दिया, सिर्फ किनारा छोड़ के
अब इसके ऊपर दे देती हूँ पनीर का स्टफिंग। अच्छे से स्प्रेड कर दिया। किनारे में थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ, फिर चिपका देती हूँ। ऐसे करके अच्छे से चिपकाना है, अंदर से हवा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा बेल भी सकते हो। अब एक फ्राई पैन गर्म होने दिया, इसे थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देती हूँ, बटर भी दे सकते हो। अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें दे देती हूँ पराठा। एक साइड 2 मिनट होने के बाद पलट देती हूँ। बीच में काट देती हूँ ऐसे करके। काटने से सेकने में सुविधा होगा। दोनों साइड से ऑयल लगाकर अच्छे से परत परत पर सेक लेती हूँ। आप लोग घी से भी बना सकते हो। इसे सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3-4 मिनट में हो जाता है, बन गया। उठा लेती हूँ, देखिए। अगर क्रंची पराठा खाना है तो गर्मा गर्म खाइए, और सॉफ्ट खाना है तो 10 मिनट ढक कर रख दीजिए, इसके बाद खाइए। ऐसे करके और एक पराठा बना के दिखा देती हूँ, इसे बिना कट के बनाती हूँ, कैसे भी करके बना सकते हो। मेरे हिसाब से काट के बनाने से ज़्यादा अच्छा बनता है, और काट के बनाने से सेकना भी इजी है। ये पराठा भी बन गया, इसे भी उठा लेती हूँ, ऐसे करके सारे पराठा बना लूँगी। इस पराठा को मैंने टमाटर सॉस, दही और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर दिया। थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डेकोरेट कर दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। रेसिपी अच्छा लगे तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, तो नया नया रेसिपी सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, और मुझे भी प्रेरणा मिलेगा। इतना टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू।